विजय दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा एक वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन सरस्वती विद्या मंदिर जनपद देवरिया में किया गया। इस अवसर पर गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने 1971 के युद्ध के नायकों और शहीदों को नमन करते हुए कहा कि है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय आज विजय दिवस है, यानी अपराजय भारतीय शौर्य के वैश्विक जयघोष की स्मरण पर्व। आतातई अहंकार के मानमर्दन का यह दिवस सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। आज का सारा उल्लास मां भारती के उन सभी लाडलों को समर्पित है जिनकी शौर्य साधना के बदौलत आज हम आप गौरवान्वित भारतीयता का यह जश्न मना पा रहे हैं। 1971 का भारत पाक युद्ध उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक समय था जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। यह युद्ध 13 दिनों तक चला। उसके बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना तथा उनके अधिकारियों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया। तब से इस दिन को भारत और बांग्लादेश के विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर अग्रवाल ने आगे बताया कि आज इस अवसर पर रक्तदान का पुण्य कार्य अति सराहनीय है। रक्तदान जीवन प्रदान करने वाली गतिविधि है, इसलिए रक्तदान को महादान माना जाता है। रक्त की हर एक बूंद का कतरा किसी न किसी के जीवन का स्रोत है। स्व रक्तदाताओं द्वारा किया गया रक्तदान से अनगिनत मरीजों को जीवन दान मिलता है। सभी रक्तदाताओं का चिकित्सीय परीक्षण के साथ ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन इत्यादि जांच किया गया। इस अवसर पर अरविंद मिश्रा, प्रभाकर मणि त्रिपाठी, संगीता तिवारी, राधा रमन मिश्रा, सुधाकर त्रिपाठी, मदन कुमार, शिवम तिवारी के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। वैश्विक महामारी कोविड को ध्यान में रखते हुए सरकारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए जैसे मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग, ब्लड बैंक की टीम द्वारा पीपीई किट का प्रयोग तथा आपस में दूरी बनाए रखे हुए इस रक्तदान शिविर को सम्पन्न कराया गया।